उनमें से ये एक आज का शो भी है। आप 51 साल से म्यूजिक फील्ड में हैं, आपका बेटा भी सिंगर है, कई सिंगर्स आपके हाथ से सीख के आगे फील्ड में आए हैं। इससे पहले मैं उनको बुलाऊं, मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। Here's the thing, look at this. ये वो तमाम चीजें हैं जो उनके लिए लिखी गई हैं। इसी को अगर मैं पलट दूं तो ये है, इसके पीछे लिखा है, एक फनकार बड़ा गुमनाम, बड़ा मजबूर, बड़ा मशहूर, स्टेज रेडियो के गुलूकारो मौसीकार। और यहां लिखा है बेनिफिट शो, इमदादी शो। फिर आगे लिखा है आपके बेनिफिट शो में फनकारों की अदम दिलचस्पी। जाहिर है उस शो में बड़े बड़े ब्रांड्स तो होते नहीं हैं, और जहां बड़े बड़े ब्रांड्स ना हो, बड़े बड़े नाम ना हो, वहां इस बात से हमें क्या मतलब कि फनकार कितना बड़ा है। 51 साल से म्यूजिक सिखा रहे हैं, तमाम लोगों के साथ काम किया, और कहते हैं, मुझे याद है जब मैं इनसे मिला तो मुझसे कहा लोग बहुत आगे निकल गए और मैं उस्ताद बनने में रह गया। अगर एक उस्ताद ये सोचे तो सोचिए कि क्या होगा। फैज ने कहा था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन। जहांगीर तैमूरी। इधर राइट में जाएं, थोड़ा सा ऊपर रखें, ऊपर रखें, ये बस ऊपर, ऐसे मुड़िए, 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 सर मुझे ये बताइए, चाय पीते हैं आप? बिल्कुल पीता हूँ, पर सिर्फ चाय पीता हूँ। सिर्फ चाय पीते हैं? हाँ वो तो मुझे भी यकीन है, इस वक्त तो सिर्फ चाय पी जा सकती है। आप कहिए तो मैं ले आऊं। दौड़ के लाइए। गरम है, देख लीजिएगा, मैं यहाँ पकड़ के बैठ जाऊंगा आपकी चाय, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी गरम, थोड़ी सी गरम, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए। अच्छा जहांगीर साहब, सफर आपका बहुत लंबा है तो जल्दी जल्दी बात शुरू करते हैं। जी जी जरूर। सबसे पहले तो ये बताइए, चाय ये लीजिए, गरम है थोड़ी सी, देख लीजिएगा। ओके गुड, अच्छी है चाय? थैंक यू वेरी गुड, तो मैंने बनाई। ओके अच्छा ये बताइए जहांगीर साहब, के 51 साल हो गए आपको म्यूजिक के अंदर, जी जी, तो कभी सोचा नहीं कि खुद सिंगिंग में चले जाते? सिंगिंग तो आपने की,